हाय फ्रेंड्स, जस्ट वेलकम बैक टू डीएस ट्रेडिंग चैनल में आपका बहुत बड़ा स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो फिर ना मेरी एक आपसे ना रिक्वेस्ट है, जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज मैं हर बार आपके लिए ना कुछ नए नए ऐसे शेयर्स ना आप लोगों के साथ लाते रहता हूँ। और शेयर्स के साथ मैं मार्केट की डेली मतलब है ना जो भी है ना निफ्टी बैंक निफ्टी के भी है ना अगर क्या उनके मूवमेंट्स है वो सारी चीजें यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ, जिससे आप मेरे चैनल पर देख पा रहे हो। तो हम लोग फटाफट अभी आ जाते हैं। हम लोग आज है ना ITC के अभी ना बिजनेस के बारे में कि ना क्या चीजें होने वाली। तो सबसे पहले हम लोग मैं बता देता हूँ कि आपको अगर मैं डायरेक्टली कि ये ITC की कुछ बड़ी बड़ी होटल्स है, ओके, और उसी के साथ है ना ये जैसे आप है ना कुछ फोटोज देख रहे हो और उसके साथ में जो उनका बिजनेस है, जैसे कि अगर आप देख रहे होंगे कि ना कोलकाता में उनका बिजनेस है, फिर यहाँ पे ना चेन्नई में उनकी होटल्स है, बैंगलोर में होटल्स है, फिर ग्रैंड भारत करके द्वारका, उदयपुर, अहमदाबाद, बड़ी बड़ी सिटियों में ना इनके होटल्स है फिलहाल। तो अभी है ना क्या है यहाँ पर, आपको ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको एक अच्छी सी न्यूज शेयर करने वाला हूँ। तो बाय द वे हम लोग है ना BSE के साइड पर आ चुके हैं। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना की साइड है जहाँ पर मैंने ना ये देखिए, मैंने ITC के शेयर्स के यहाँ पर है ना लिस्ट निकाली हुई है कि ये ITC के कुछ शेयर्स का क्या है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या किया, मैंने कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंसमेंट में गया हूँ और वहां पर एक है ना रिपोर्ट्स आई है। तो भी रिपोर्ट्स के आधार पे आपको क्या चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं आपके साथ ना ये चीजें शेयर कर रहा हूँ कि ना ITC का जो अभी अप्रूवल है डीमर्जर करने के लिए होटल बिजनेस का, तो फिर ना जो ITC कंपनी है उसके अंदर बहुत सारे FMCG के अंदर जैसे सिगरेट्स का, फूड्स का, उनका जो बिजनेस है उसके साथ में ना उनका जो ना होटल्स के जो बड़े बड़े जैसे कि मैंने आपको ये होटल बताया जो है ना 7 स्टार से ना होटल्स है उनका डीमर्जर होने वाला है। तो अब ये डीमर्जर होने वाला है तो अब इसके अंदर जो रिपोर्ट्स आएगी वो रिपोर्ट्स क्या कहती है कि जैसे कि उसके ऊपर ये देखिए, या अगर आप रिपोर्ट्स अगर डाउनलोड करोगे तो 18 पेज की रिपोर्ट है, अपडेट ऑन द प्रपोज डीमर्जर होटल बिजनेस। तो ये इनका सारा बिजनेस के लिए ना ऑलरेडी प्रपोजल दे दिया है। और है ना इसके साथ में अभी जो भी है जो गवर्नमेंट्स को भी फिर भी कुछ गवर्नमेंट के अभी भी ना रेगुलेशंस है, फिर वो सारी कंपनियों की पोर्टफोलियो सारी चीजें करने के लिए अप्रोक्स है ना, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता दे रहा हूँ कि अगर आप उसके पीछे भागो नहीं करके तो है ना अप्रोक्स अप्रोक्स अगर देखा जाए ना मार्केट के अंदर तो आराम से है ना आप जो है ना देखोगे ना कि कम से कम इंडिकेटिव टाइमलाइन ये आप है ना ये देखो, मैं ना थोड़ा सा आपको ना यहाँ पर नोट कर, ये देखिए ये क्या टाइमलाइन कह रही है कि 15 महीने लगेंगे। आप ये मत सोचना कि फटाक से आ रहे डीमर्जर की न्यूज आ गई करके फटाफट शेयर खरीदो या बेचो कुछ भी, आप है ना वैसा है ना प्रैक्टिकल मतलब मत करना, जस्ट ये न्यूज आई है लेकिन इस न्यूज को कंप्लीट होने के लिए 15 महीने लगेंगे। जियो में भी आपको ऐसा लगा रहेगा कि बहुत फटाफट हो गया रहेगा, लेकिन रियलिटी में ना ऐसा फटाफट कुछ भी नहीं हुआ है। उसको भी ना बोले तो लास्ट ईयर उसकी ना जब रिपोर्ट तैयार की गई थी तब जाके है ना इस साल है ना उसकी रिपोर्ट फाइनलाइजेशन हुई है। तो आप है ना फटाफट है ना यहाँ पर एक्शन लेने के लिए मत सोचना यार मेरा बिजनेस डूब गया ये वो वगैरह वगैरह, ओके। तो फिर आप लोगों के साथ ये मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो शेयर्स की है। और आपको अगर लगेगा कि कितना शेयर्स मिलेगा तो अगर देखा जाए तो अंडर द डी मर्जर द शेयर होल्डर विल गेट 1 शेयर्स, ये देखिए लिखा है कि आपको है ना एक ही शेयर मिलेगा, वो भी है ना किसका, होटल बिजनेस का, जिस जो है ना every 10 शेयर हेल्ड इन ITC, जिस भी शेयर होल्डर ने मान लो कि उसने अगर 10 शेयर्स अगर ITC के अगर होल्ड करके रखा है तो उसको है ना 1 शेयर है ना मतलब के ना मिलेंगे यहाँ पर होटल बिजनेस के, ओके। यहाँ पर मैं आपके साथ ये कह देता हूँ कि ये होटल बिजनेस का आपको यहाँ पे एक अच्छा सा मिलेगा। तो आप है ना इसके ऊपर देखिए तो आप है ना सोचोगे कि फटाफट है ना यहाँ पर कुछ है ना ग्रो हो जाए, तो फिर है ना उतना बड़ा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटे मोटे ऐसे न्यूज आते रहते हैं थोड़े से ITC को है ना स्पाइक करने के लिए। तो आप इसके अंदर है ना एक अच्छी सी पोजीशन में बना सकते हो, जैसे अगर देखिए मार्केट ऑलरेडी अभी ना देखा जाएगा तो आपको देख ही रहोगे कि मार्केट थोड़ा थोड़ा धीरे करके कुछ दिनों से ना 2 हफ्तों से नीचे आया है, जहाँ पे कहाँ 500 रुपये का अमाउंट टच कर रहा था वहाँ पे 449 का अभी यहाँ पर उसने टारगेट टच किया है यहाँ पर। तो अभी क्या लग रहा है कि ना मार्केट के अंदर वैसे अगर ये थोड़ी न्यूज आ गई तो मार्केट में क्या होगा, थोड़ा वॉलेटाइल होगी थोड़ी सी ना, मतलब आज थोड़े लोग एक दो दिन लोग है ना वो करेंगे या थोड़ा प्राइस को पहुंचा देंगे। तो मतलब मैं टारगेट ऐसा लेकर चल सकता हूँ कि हाँ कि जो मेरे पास ना 475 का जो टारगेट है, जो मेरा ये जो 475 का टारगेट है ये कहीं ना कहीं ना इस टारगेट को ये लोग है ना कोशिश करेंगे कि पहुंचाने की। तो आप लोग है ना यहाँ पर अपना एक बिजनेस को बना सकते हो। तो छोटी सी आपके लिए एक सजेशन भी है कि शॉर्ट टर्म के लिए ट्राई कीजिए, बाकी तो अगर अपना सेकंड अगर टारगेट रहा तो हम लोग 500 का टारगेट को ना पॉसिबल करेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल इस लेवल को लेकर चलने देंगे। अभी तो देखो इस लेवल में जो बिजनेस ऐसे 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 मूवमेंट्स दिख रही है,
तो वहां पर यह भी हमें करना है ना। अभी आपके साथ मैंने आपके साथ सारी चीजें ना शेयर कर दी, आपको मेरे ख्याल से ना बहुत मजा आया होगा। बहुत मैंने शॉर्ट में इंफॉर्मेशन बताई कि आप कहीं भागा दौड़ी ना करो। ऐसे ही हर बार मैं आपके कहीं ना कोशिश करूंगा कि आपके शेयर्स के मतलब ज्यादा आप ना कहीं बहुत ज्यादा एक्साइटेड या पैनिक हो कि कभी शेयर बेच या खरीद ना दो करके, क्योंकि ये छोटी मोटी न्यूजेस है जो आती रहती है, तो ऐसे हमें उतना कोई बहुत बड़ा चीज नहीं करनी है ना। अगर आपको अगर मेरी सारी चीजें अगर बहुत अच्छी लगी होगी तो प्लीज मेरी अब आपसे ना रिक्वेस्ट है कि प्लीज है ना आप इस चैनल को, अगर आप इस चैनल पर अगर नए आए हो ओके, तो फिर है ना आपसे मेरी ये एक रिक्वेस्ट होगी ओके, कि है ना अभी क्या कि जो सब्सक्राइब एंड लाइक्स मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लाइक इसके लिए मुझे ये मैं कर रहा हूँ बिकॉज ना मुझे ना थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा और आप लोगों के लिए मैं और बहुत बहुत ना इंपॉर्टेंट चीज लेकर आने वाला हूँ। और एक बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको ना किसी चैनल्स के अगर आप चाहते हो कि हाँ कि यार ना किसी चैनल के ऊपर ना वीडियोज बनाओ या फिर आपका ना कोई शेयर्स के ऊपर कोई व्यू है, तो ऑब्वियसली आप है ना कमेंट कर दीजिए। मैं ना कमेंट में डेफिनेटली आपके लिए उसके ऊपर है ना उस शेयर्स के लिए ना मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। और है ना चाहिए तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें पर्सनली अगर आपको है ना मार्केट रिलेटेड अगर आपको शेयर करनी चाहो, कमेंट नहीं कर सकते, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी अपना नंबर दिया है, तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो ये भी चीजें कर सकते हो। और अगर आपका मान लो कि कोई पोर्टफोलियो है, फिलहाल वो पोर्टफोलियो अच्छा है या बेकार हो चुका है, पॉजिटिव निगेटिव है, तो उस पोर्टफोलियो को अगर चाहते हो कि उसको मैं अगर ना रिव्यू करूँ, तो ऑब्वियसली मैं वो आपको चीजें ना मैं रिव्यू करके दे दूंगा और फिर फ्री ऑफ कॉस्ट उसका कोई भी चार्ज नहीं लूंगा ओके। तो फिर ये मैंने आपको कह दिया है, तो फिर है ना ये सारी चीजें इस तरह से लेकर चल सकते हैं जो आपके लिए बहुत है ना बेनिफिशियल होगी। तो चलो अभी हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूँ बाय बाय, और हम लोग है ना एक नए वीडियो में मिलते हैं।